Assalamualaikum नाज़रीन, welcome to your own show Bhoojo To Jeeto. मैं आपकी होस्ट अलीना हारून. आज हम हैं एक बड़े ज़बरदस्त से शॉपिंग मॉल में. आप गेस करें कि मॉल कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा रश है. आप मूवी भी देखने लोग आए हैं, खाने पीने के लिए भी आए हुए हैं, एमवी भी आए हुए हैं, शॉपिंग के लिए भी आए हुए हैं, बस लोगों का काम में फिरते रहना. खैर, अच्छी बात है. चले जी, अब हम लोगों से बातें करेंगे. और जैसे कि आपको पता है कि मैं अलीना लोधी उस प्रोग्राम बूझो तो जीतो में बहुत ज़्यादा जो है वो टैलेंट हंट करती हूँ. आप लोगों को जिनको लाइफ में मौका नहीं मिला ख़ुद को ज़ाहिर करने का, उनको जो है वो लाहौर न्यूज़ बूझो तो जीतो में बहुत मौका देते हैं. तो इस वजह से आपका जो टैलेंट है वो आप ज़रूर इधर बूझो तो जीतो में आके दिखा सकते हैं, क्योंकि लाखों बल्कि करोड़ों लोग जो हैं वो इस शो को देखते हैं और बड़े शौक से देखते हैं. तो यहाँ से बहुत सारा टैलेंट जो है वो बाहर गया है. तो आज आप भी अपना टैलेंट दिखाएं और एप्रिसिएशन भी हासिल करें, लाहौर न्यूज़ की तरफ से बड़ा अच्छा सा गिफ्ट भी हासिल करें, और लोगों की तरफ से जो है वो आपको अच्छे से अच्छे मौके भी मिलेंगे. तो आए लोगों से बातें करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपका नाम? इकरा. क्या करती हो? जॉब करती हूँ कॉल सेंटर में. ज़बरदस्त. अच्छा जी, मुझे बताएं कि वो कौन सी चीज़ है जिसके बगैर हम पानी नहीं पी सकते. जिसके बगैर पानी नहीं पी सकते, ऐसी तो बहुत सी चीज़ें हैं. मतलब खाने में पिया है, जिसके बगैर पानी नहीं पिया जाता. वो क्या चीज़ है जिसके बगैर हम पानी नहीं पी सकते? जिसके बगैर पानी नहीं पी सकते. कुछ तो बोलो. खाना, मतलब कोई भी कुछ भी खाने में है या फास्ट फूड में या कुछ भी. अरे नहीं, पानी नहीं जिसके बगैर पी सकते, वो क्या चीज़ है? क्यों, हाथ से नहीं पी सकते? कप से पी सकते हैं, प्लेट में भी पी सकते हैं. हाँ, तो क्या चीज़ है जिसके बगैर नहीं पी सकते? क्या चीज़ है जिसके बगैर नहीं पी सकते? ऐसी कोई भी चीज़ है. अरे है, चलो क्या शेयर करो. गाना गा के. नित दी नाराजगी तेरी मेरी कड के ना जान ले जवे. हो नित दी नाराजगी तेरी मेरी कड के ना जान ले जवे. करना है गुस्सा मेरी निक्की निक्की गल दा, ऐदा नहीं ओ सोने प्यार चलदा. कहना चाहवा दिल वाली मैं दिल दी दिला च रह जवे. हो नित दी नाराजगी तेरी मेरी कड के ना जान ले जवे. ज़बरदस्त, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गए. वेलकम जी नाज़रीन. बड़ा अच्छा सा सॉन्ग सुना है इन्होंने. किसी और से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपका नाम? अफशा. अफशा, क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ, इसी मॉल में जॉब कर रही. अच्छा, मेकअप बड़ा अच्छा किया हुआ है. आपने सीखा है? नहीं सीखा नहीं है, कॉस्मेटिक से रिलेटेड जॉब करती हूँ ना मैं. तो फिर भी आता कैसे इतना अच्छा मेकअप करना? बस मिस करके तो बस आदी हो गए. अच्छा मुझे बताएं, मेकअप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आपको? लिपस्टिक, आईलाइनर, हाईलाइट, लिप? आई शेडो. ओके, कौन सा आई शेडो जो है वो आपको पसंद है? मुझे स्मोकी आईज ज़्यादा पसंद. स्मोकी आईज, लेकिन डेली तो आप नहीं कर सकते, इट्स क्वाइट हैवी. लाइक अगर मुझे एक दिन भी लाइनर लगाना हो तो मुझे लगता है पता नहीं मुँह पे कितना कुछ लगा लिया. नहीं बट ये है कि मेकअप बना ही हम लोगों के लिए है ना, लड़कियों को. ये ऐसे बहुत अच्छी बात कर रही हैं आप. चले जी, मैं आपसे सवाल करती हूँ, ठीक है? मुझे बताएं कि इंसान की बॉडी के वो कौन से दो पार्ट हैं, यहाँ से लेके शोल्डर तक, जो हमारे मरने तक बढ़ते रहते हैं? बॉडी पार्ट, बाल और नाखून पार्ट्स में नहीं आते. अच्छा, हमारे टीथ मरने तक तो नहीं बढ़ते, लेकिन 7 साल. टीथ कैसे बढ़ते हैं? इधर बढ़ते तो पैरों तक आ जाते हैं, हम भी वैम्पायर लगते हैं. 7 साल तक बढ़ते हैं ना दांत बच्चों के निकलते हैं और आते हैं बढ़ना. इसके बाद हमारे आईब्रोज बढ़ते हैं. बाल और नाखून पार्ट में नहीं आते. नहीं, आई डोंट नो. क्या सुनाएंगी? मैं एक गाना सुना देती हूँ आपको, ठीक है? सबसे पहले तो एक मैसेज मैं दूंगी, वो ये कि हम सब लोग जितने भी हम मतलब हैं, हर एक इंसान जहाँ तक देखा जो स्ट्रेस में होता है, लेकिन कोशिश हम सबकी ये रहनी चाहिए कि हम दूसरों को खुशी दे सकें, ना कि गम दें. जितना हमसे हो सके, हम किसी को कुछ दे नहीं सकते, तो कम से कम खुश रह के और खुशी दिखा के दूसरों को स्ट्रेस ना दें. ये मेरा मैसेज है. और
इसके अलावा मैं एक गाना सुना देती हूँ थोड़ा सा। हमें और जीने की चाहत ना होती, हमें और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम्हें आसरा हो। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम्हें आसरा हो। दिखाई ना देते, दिखाई ना देते, अंधेरों में रहते, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, हमें और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। थैंक्स। जबरदस्त। किसके लिए गाया? अपने हस्बैंड के लिए। इतना सोच ही क्यों रहा है? ये ले जी, है ही नहीं ऐसा। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। आप के हस्बैंड बहुत लकी हैं कि आप उनसे इतना प्यार करें। ये वेलकम जी नाजिन। बहुत ही खूबसूरत सी खातून थी हमारे साथ, बड़ा मज़ा आया। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तहरीम। क्या करती हैं? स्टडी करती हूँ मैं। क्या? मैं एफ ए कर रही हूँ अभी, कॉलेज स्टार्ट हुआ मेरा। चलें जी, मुझे बता दें, मेरा आपसे एक सवाल है। दुनिया का सबसे बड़ा फूल कहाँ पर पाया जाता है, उस मुल्क का नाम बता दें। इंडोनेशिया। अरे वाह, क्लैपिंग करो अपने लिए, बड़ी तुम सियानी हो। अच्छा मुझे बताओ कि क्या शेयर करोगी? शेयर रेसिपी शेयर कर दूँगी। मैं कढ़ाई गोश्त बहुत अच्छा बनाती हूँ और उसकी रेसिपी मैं शेयर करना चाह रही हूँ आपके साथ। पहले चिकन लेना है, उसको धोना है अच्छी तरह से, फिर उसके बाद लहसुन का पेस्ट करना है और उसे घी में डाल देना है। उसके बाद चिकन को उसमें फ्राई कर लेना है, उसके बाद दही डालना है और जब तक दही सही उसके अंदर मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद ना आलू टमाटर का पेस्ट डाल देना है और टमाटर के पेस्ट के बाद उसमें मसाला डालना है और सही भून लेना है, और जब वो भून जाएगा तो फिर सर्व करना है अच्छी तरह से। अच्छा टमाटर का पेस्ट डालना है, टमाटर नहीं डालना है? टमाटर का पेस्ट डालना है ना, मतलब पेस्ट बना कर डालना है या बना के डालना है? ग्राइंड करके, सिंपल। यस, वेरी नाइस। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गए। थैंक यू। मैं आपको लेना चाहूँगी। ज़रूर जी नाजिन, बड़ी अच्छी सी हमने कढ़ाई जानी, ट्राई करिएगा। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली शेर जी। सामने देखें, क्या करते हैं आप? मैं जिम्मेदारा करता हूँ जी। अच्छा, अली शेर नाम किसने रखा? वाल साहब ने, वालदा ने। शेर क्यों रखा? उनको पसंद था, ज़ाहिर वालदा ने नाम रखते हैं नाम। अच्छा आप शेर हैं वैसे? हाँ। कोई लड़ाई झगड़ा हो तो लड़ते हैं, कमरे में छुप जाते हैं? नहीं, लड़ाई झगड़ा गांव में तो रहता ही है, माड़ा मोटा अक्सर रहता है। तो आप सामने रहते हैं? हाँ जी, ज़ाहिर फिर फेस करना पड़ता है एक दूसरे को। चले जी, खैर हम क्या परेशानी वाली बातें करें। मुझे ये बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल किस मुल्क में पाया जाता है? हमारे यहाँ सबसे बड़ा फूल तो गोभी का फूल ही होता है। और आप वो भी खा जाते हैं? जो जो हम काश्त करते हैं वो खा जाते हैं? खा जाते हैं। इतना बड़ा फूल होता है वो? फूल तो जिंदगी का फूल है, अल्लाह ताला हर एक को खुशी दे। आप कोई सीधी बात क्यों नहीं करते हैं? चले मुझे बताएं क्या सुनाएंगे? गाना ये लें, सामने देखें। ए, गाना सुनाऊं? मैंने गाना कभी याद नहीं किया, लेकिन थोड़े बहुत कवाली याद है वर्षदी की। अली मौला अली दम दम दे अंदर, अली हर दम दे अंदर, अली मौला अली मौला। वेरी नाइस। लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सायरा। क्या करती हैं? मैं वकालत
वाओ। अच्छा जी, मुझे बताएं कितनी दफ़ा केस जीती हैं और कितनी दफ़ा हारी हैं। बस ये ज़रा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अच्छा, मतलब एवरेज किसकी ज़्यादा है ये बता दें। जीतने की। चलें जी, अब मुझे बताएं कवर बड़ा अच्छा कहाँ से लिया मोबाइल का। मैंने हाल रोड से। अरे वाह, चलें सवाल करती, ठीक है। ए बी सी डी जो होती है, ठीक है, उसमें जो 1 to 100 तक काउंटिंग है, 1 जैसे है टू, उसमें ए कितनी दफ़ा आता है 1 से लेके 100 तक। ये कितनी दफ़ा आता है, शर्मिंदा कर दिया ना। अच्छा नहीं, इसमें क्या है, ये तो किसी को भी नहीं होता होगा, कौन इतनी स्पेलिंग गिनेगा, थाउजेंड्स हैं। शर्मिंदा वाली कोई बात नहीं, क्या सुनाएंगे, क्या शेयर करेंगे। चले आपको शेर सुना देते हैं। हम उसके कतरे हैं कि बिखरे हुए मोती, धोखा नजर आए तो कभी रोल के देखो। जबरदस्त, लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए। थैंक यू। यू वेलकम जी नाजीन, बड़ा अच्छा जो है वो हमने शेर सुना, किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मजीद खान। क्या करते हैं आप? रिटायर्ड लाइफ। ओके, मुझे बताएं कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल कहाँ, किस मुल्क में पाया जाता है? ये आई डोंट नो। ओके जी, क्या शेयर करेंगे? व्हाट यू वांट, एनीथिंग व्हाट यू वुड लाइक टू शेयर। बच्चों को अच्छी तालीम देना चाहिए, माँ बाप को उस बारे में सोचना चाहिए, बच्चों को अच्छी तालीम दें, पढ़ाए लिखाए, हमारे मुल्क को इसकी जरूरत है। वेरी नाइस, लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लेंगे। यू वेलकम जी नाजिन, बड़ा मजा आया, उन्होंने कहा बच्चों को पढ़ाएं, वैसे ही बच्चे जो हैं वो खेलते रहते हैं, तंग करते रहते, तो बेहतर है उनको पढ़ाने भेज दिया करें। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? राशिद। बेबी का नाम? इब्राहिम। क्या उम्र है इसकी? ये 1 साल का। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी अच्छी हाइट है 1 साल में ना। माशाल्लाह बिल्कुल माशाल्लाह। चलो जी, मुझे बताएं क्या करते हैं आप? मैं इंटीरियर डिजाइनर। ओ वाओ, अच्छा जी। चलिए जी, मुझे बता दें आपसे मेरा सवाल है कि दुनिया का कितने फीसद पानी पीने के काबिल है? मैक्सिमम या मिनिमम कोई भी आइडिया दे सकते आप? मैक्सिमम बता दें। 35% नहीं, 55 कह लें। लेस देन। अच्छा, इससे भी लेस। जो बिल्कुल पीने के काबिल है, जो पीते हैं वो पता नहीं काबिल है या नहीं, जो असल में पीने के काबिल है वो कितने परसेंट है? अभी तो नमकियात निकाल के पता नहीं कितना फिल्टर किए जाते हैं पानी। मेरा आइडिया नगल कह लें तो फिर 10% कह लें आप। इससे भी कम है। चलें खैर, क्या शेयर करेंगे? नहीं, मैं एक सॉन्ग सुनाना चाहूँगा, ये मेरी वाइफ के लिए। तेनू इतना मैं प्यार करा, एक पल विच 100 बार करा, तू जावे जे मैनू छड़ के, मौत दा इंतजार करा। कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, कि तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको इतना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तेनू इतना मैं प्यार करा। थैंक यू सो मच। आपकी आवाज़ बहुत शानदार है, गाते रहते हैं? हाँ गाते रहता हूँ मैं। वेरी नाइस सर, आप चाह रहे थे कि बाबा ना गए हैं ना? ये भी बाबा के साथ जो है ना वो पूरा परफॉर्म कर रहा था। लाहौर न्यूज की तरफ से आप लोगों के लिए शुक्रिया जी नाजिर, बड़ा मजा आया, उन्होंने अपनी वाइफ के लिए बहुत अच्छा सा जो है वो गाना सुनाया। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका जी कैसी मैम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अलहमदुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपका नाम? मेरा नाम फैसल अब्बास। फैसल अब्बास, अच्छा सामने देखो, मुझे पहले लगा फैसला अब्बास बड़ा डिफिकल्ट नाम है। अच्छा मुझे बताओ ये हेयर कट कहाँ से करवाया? मैंने इधर से मुस्लिम टोन से कराया है। अरे वाह, चले जी, चेंज करवाते रहते हैं या एक ही? नहीं करवाता रहता हूँ। अच्छा ये मांग इतनी फिक्स कैसे है? कैसे मतलब ये आपकी मांग ऐसे फिक्स हुई है? नहीं, वो स्पेशल करवाई है। अच्छा यहाँ से बाल खराब करवाए हैं, तुरवाए हैं जी? कोई हाल नहीं है। चलो जी सवाल करती हूँ, ठीक है जी। अच्छा आपके बड़े घने बाल हैं तो आपसे सवाल करती हूँ, एक आम इंसान के जो बीमार ना हो जी, एक दिन में कितने सर के बाल गिरते हैं? आम इंसान के तकरीबन मेरे ख्याल से तो 20-25, मेरे तो इतने ही गिरते हैं, बाकी तो नहीं पता। आपने गिने? जी नहीं गिने तो नहीं, वैसे अंदाजा हो जाता है, अक्सर गिरते रहते हैं। बड़े तुम्हारे अंदाजे। अच्छा क्या अक्सर ज्यादा गिरते हैं मेरे बाल? कहते हो
میں پہلے جوٹا میں رہتا تھا لیکن اب مسلم بھی لاہور میں ہی ہیں جی جی وہی کیا اچھا نہیں ویسے گھر میرا سرگودا میں ہے سرگودا چلے جی کیا شیئر کریں گے میں لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان جو حکومت اور سپریم کورٹ کی جانب سے نا دیا گیا ہے میسج کہ ڈیمو کے لیے چندہ دیا جائے تو اس کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ دل کھول کر چندہ دیا جائے تاکہ 2025 میں جو آنے والا وقت ہے نا اس میں پاکستان کا جو پانی ہے نا وہ بہت زیادہ خراب ہونے والا ہے تو اس لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے جو پاکستان کا پانی ہے نا وہ ٹھیک ہو سکے ویری نائس یہ لے جی لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے شکریہ میم یو ویلکم جی ناظرین بڑا اچھا لگتا ہے اب لوگوں کو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اس میں انفارمیشن ہے اور ڈیم کے لیے بہت موٹیویٹڈ ہیں اچھا بہت اچھی اچھی ایڈ بن رہی ہیں کہ جیسے میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کیسے پانی ضائع کر رہے ہو تو اس میں جو ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ ایڈس کو دیکھیں اور پانی ضائع نہ کریں کسی اور سے بات کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام آپ کا نام محمد فاروق کیا کرتے ہو میں اسٹڈی کرتا ہوں کیا پڑھتے ہو بی فارمیسی کر رہا ہوں بال تم نے بھی بڑے اچھے بنائے ہیں یار لڑکیوں سے زیادہ تو اب لڑکے فیشن کرتے ہیں نا فیشن اچھی چیز ہے بہت اچھی چیز ہے بہت اچھی اچھا کتنا ٹائم لگا ہے بال بنانے میں تقریباً 10 منٹ اونلی یس ارے اوکے چلو جی سوال کرتی ہوں ٹھیک ہے جی جی ریڈی ہو بالکل مجھے بتاؤ کہ ہماری آنکھ کا جو لینز ہے اوریجنل یہ والا کتنے میگا پکسل کا ہے ہوتا ہے نا موبائل 12 میگا پکسل 25 میگا پکسل ہمارا لینس جو ہے آنکھ کا کتنے میگا پکسل کا ہے اس کا کوئی میگا پکسل انلمیٹیڈ ہے نہیں نہیں لمٹ تو ہے نا اچھا بہت ہے لیکن لمٹ ہے 8K نہیں بہت زیادہ ہی ہو گیا ابھی نہیں بھی نہیں ہے کیا سناؤ گے لگا لیں پھر نہیں کیا سناؤ گے سانگ سنا چاہوں گا اچھا لیکن جب آپ ویسے ورڈنگ یوز کرو نا موبائل کی تو خیر ہے ابھی تم نے آگے جاب کرنی ہے یہ کیش ہے نا یوز کیا کرو ٹھیک ہے تھاؤزنڈس میں بولو یہ لو سانگ سناؤ او باویں سر دی بازی لگ جاوے او باویں سر دی بازی لگ جاوے اے ہو مسلکان ہونا اے ایہو مسلحان ہونا ہے وہ باویں سر دی بازی لگ جاوے یہ کیا تھا ٹوٹا پھوٹا سنگ تھا تھوڑا سا اچھا یہ لو لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ جی ناظرین ٹائم ہو گیا ہے ایک بریک کا 16 سیون بریک